खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की पाकिस्तान में मौत की खबर है। लखबीर सिंह पाकिस्तान में बैठकर पंजाब को दहलाने की साजिश रचता रहता था। पंजाब की कई बड़ी वारदात में उसका नाम आ चुका है। उसने पाकिस्तान से टिफिन बम भी भारत भेजे थे। इनका मकसद पंजाब को दहलाना था। लखबीर सिंह रोडे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सरगना था। लखबीर सिंह रोडे खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरांवाले का भतीजा था। लखबीर सिंह रोडे ड्रोन के जरिए भारत में आरडीएक्स भेजने के अलावा कई संगीन मामलों का आरोपी है। खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड के मुताबिक लखबीर के पाकिस्तान में कई ठिकाने थे। इनमें वो अलग अलग समय में रहता था। प्रमुख ठिकानों में टाउनशिप क्षेत्र, हलौल, अमोल थिएटर, लाहौर, हाउस नंबर 20, PIA कॉलोनी, डिफेंस लाहौर है। पंजाब के मोगा जिले के गांव रोडे का रहने वाला लखबीर भारत से दुबई भाग गया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान को अपना ठिकाना बनाया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लखबीर का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिश में किया। वो ड्रोन से भारत में अवैध हथियार और नशे की खेप भेजता था। लखबीर सिंह का परिवार कनाडा में रहता है। लखबीर सिंह रोडे ने ड्रोन के जरिए पंजाब में टिफिन बम भेजे थे। इनका मकसद पंजाब में दहशत फैलाना था। NIA की जांच में सामने आया था कि रोडे ने पंजाब में जबरदस्त स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार कर रखा था। 200 के करीब युवाओं को जोड़ा जा चुका था। टिफिन बम बरामद होने के बाद भी एजेंसियां काफी हिस्सा इसलिए नहीं खोज पाई क्योंकि स्लीपर सेल ने टिफिन बम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए थे, पर इसकी जानकारी आज तक एजेंसी को नहीं मिल पाई है। 15 सितंबर 2021 के शाम लगभग 7:57 बजे फाजिलका के जलालाबाद शहर में पंजाब नेशनल बैंक के पास एक बाइक में धमाका हुआ था। जांच में पता चला कि लखबीर सिंह रोडे ने इस धमाके में अहम भूमिका निभाई। उसने ही हथियार, गोला बारूद समेत टिफिन बम भेजे थे। भीड़भाड़ वाली जगहों पर धमाके कर पंजाब के लोगों में भय पैदा करना था। 16 सितंबर 2021 को जलालाबाद पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले की जांच NIA ने की थी। कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोगा के बाघा पुराना के गांव बोठे गुरुपुरा में आतंकी लखबीर सिंह रोडे की 43 कनाल 3 मरले जमीन का चौथा हिस्सा सील किया था। लखबीर रोडे के खिलाफ दिल्ली में भी केस दर्ज है। पंजाब से फरार होकर पाकिस्तान में शरण ले चुके आतंकवादी बब्बर खालसा चीफ वधावा सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चीफ रंजीत सिंह नीटा, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन का सरगना लखबीर सिंह रोडे, खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़ का इस्तेमाल खुले तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ कर रही थी। हालांकि इनमें अब परमजीत सिंह पंजवड़ और लखबीर सिंह रोडे की मौत हो चुकी है। वीडियो डेस्क AmarUjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।